दोस्तों आज के टाइम में हर कोई फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करता है क्योंकि फ़ोन पे एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफ़र करना, रिचार्ज करना और भी बहुत सारी सर्विसेज बहुत आसान है यूज़ करना। लेकिन कभी कभी ये दिक्कत हमारे साथ आती है कि हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट में या फिर मोबाइल नंबर पर या फिर UPI ID पर फ़ोन पे एप्लीकेशन से पैसा भेजते हैं, लेकिन वो कभी कभी गलती से एक छोटी सी हम गलती कर देते हैं और वो पैसा जो है किसी और के खाते में चले जाता है। और दूसरा चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आपके साथ में कभी फोन पे पर कभी फ्रॉड हो जाता है तो आपको उसका पैसा वापस कैसे मिलेगा, यहां पर हम दोनों चीज के बारे में सीखने वाले हैं। बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है और आपकी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व भी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टेक। तो दोस्तों यहां पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कस्टमर केयर जो फोन पे एप्लीकेशन का है यहां पर हम डायरेक्टली फोन पे कंपनी से बात करेंगे और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके साथ में ये दोनों केस कभी होते हैं तो आपको कैसे इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है और आपको कैसे इसके पैसे वापस मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली आगे। वेलकम टू फोन पे सपोर्ट। हिंदी में आगे बढ़ने के लिए एक दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2। फोन पे दिस इज मदर, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे? हेलो सर, मेरा नाम नवीन है। जी नवीन जी। सर मैंने फोन पे कस्टमर केयर पे इसीलिए फोन किया था क्योंकि मेरे दो सवाल है, उसके मुझे सर आंसर चाहिए। जी सर, पहला क्वेश्चन ये है कि मान के चलो कि हम फोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल नंबर पर या फिर हम UPI ID या फिर बैंक खाते पे किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और हमसे अगर कभी गलती हो जाती है, छोटी सी गलती, और वो पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाता है, तो इस कंडीशन में हमें हमारा पैसा वापस कैसे मिलेगा? ओके, कौन से ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं सर? मेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है बट मैं आपसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर इन केस किसी के साथ में होता है तो क्या करना चाहिए फोन पे पे। ओके, वो कंप्लेंट जब हमारे पास में कराई जाती है तो उस ट्रांजेक्शन के आधार पे आपको उससे जुड़ी हुई जानकारी ये बताई जाएगी कि बैंक से उसके लिए संपर्क किया जाता है। ओके, है ना, जिस माध्यम से ये ट्रांजेक्शन की गई होती है डायरेक्टली बैंक या फोन पे उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल या रिफंड नहीं कर सकता है। okay. ना, ये आपके बैंक से जब कंप्लेंट होती है तो बैंक आपका ये करता है कि सामने वाले बैंक से संपर्क करके फिर वो पैसा आपका रिफंड करवाते हैं। तो सर इसके लिए हमें, जैसे मान के चलो मेरा SBI बैंक में खाता है और मैंने किसी को पैसा ट्रांसफर किया, वो गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया, तो इस कंडीशन में फोन पे कोई भी हेल्प नहीं करेगा, इसके लिए मुझे अपनी किसी भी ब्रांच में या होम ब्रांच में जाना पड़ेगा SBI की और वहीं से मुझे हेल्प मिल पाएगी? मैं आपको शायद क्लियर नहीं बता पाया, मैंने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि मैंने बताया था लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। जब उस चीज की कंप्लेंट फोन पे में की जाती है तो हमारी टीम के माध्यम से बैंक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर, कंप्लेंट की लिंक आपको दी जाती है बैंक में कंप्लेंट करने के लिए। ओके, बैंक जाने के लिए नहीं कहा जाता, कई सारे उसके कारण है, है ना, बैंक जाते हैं कोई प्रेशर उनके पास में नहीं रहता है, लिखित जवाब वगैरह कई बार कस्टमर नहीं मांगते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया है, बैंक अपने कस्टमर अपने बैंक से कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकता है। जी राइट, तो इसलिए बैंक जाने के लिए नहीं, बैंक की कंप्लेंट डिटेल्स हमारे द्वारा दी जाती है, प्रक्रिया बताई जाती है कि किस प्रकार से कंप्लेंट आपकी की जाएगी, है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक भी डायरेक्टली नहीं करेगा। ओके, और UTR नंबर तैयार रखना होता है, ये सभी चीजें हमारी टीम द्वारा बताई जाती है। तो मतलब कभी भी अगर ये गलती हो जाती है तो अब सबसे पहले कस्टमर केयर नंबर पे बात करनी पड़ती है, वहाँ से ये डिटेल्स आपकी तरफ से हेल्प की जाती है। हाँ जी, उसमें अच्छा ये रहता है सर, एक चीज और पॉजिटिव उसमें ये रहती है कि फोन पे के माध्यम से की हुई कंप्लेंट आपकी नोट करी हुई रहती है। हमारे पास में रूल ये है कि जो जानकारी हम आपको बताते हैं उसका लिखित जवाब भी हमको आपको भेजा जाता है। तो सर ये कॉन्टैक्ट, देखिए अभी हमें, मेरा कंफ्यूजन ये है कि ये कॉन्टैक्ट हमें बैंक से करना पड़ेगा या फिर आप डायरेक्टली बैंक से करोगे? आप ही करेंगे सर इसमें, क्योंकि आपकी प्राइवेट जानकारी इन्वॉल्व होती है। तो हमें ये सारी हमें ये बात सारी बैंक से ईमेल के थ्रू करनी पड़ेगी या फिर किसी और माध्यम से? जी, ईमेल भी रहता है और ग्रीवियंसेस के लिए कंप्लेंट की लिंक, हर कंपनी का ग्रीवियंसेस का डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी का, हर बैंक का,
हर बैंक, हर कंपनी, फोन पे, पेटीएम या फ्लिपकार्ट कुछ भी हो, है ना, हर कंपनी का ग्रीवियंसेस कंप्लेंट का पोर्टल रहता है। ओके, तो वहाँ पर ये कंप्लेंट उसकी लिंक भी हमारे द्वारा दी जाती है आपको। ओके, मान के चलो हमारे SBI खाते से पैसे कटते हैं, तो इसके लिए आप हमारी हेल्प करेंगे और जो SBI का ग्रीवियंस का पोर्टल होगा उसकी लिंक भी आपकी तरफ से मिलेगी हमको। जी बिल्कुल, तो उसपे हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम ब्रांच में जाते हैं तो इस कंडीशन में, वो हमें ऐसी अक्सर देखा गया है कि जब कोई ब्रांच में जाता है इस कंडीशन में तो वहाँ पर इतना रिस्पांस नहीं देते हैं और रिटर्न में कोई लिख के नहीं देता है। अगर आप उनको लिखित कंप्लेंट देंगे तो उनको देना पड़ेगा। हाँ हाँ राइट, है ना, वो लोग कई बार इस चीज में, मतलब ये हम बताते हैं कि मैनेजर से बात की, उन्होंने मना कर दिया, राइट, भगा दिया हमें। तो इस कंडीशन में इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा पैसा हमें रिफंड मिल पाता है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच। पहला तो क्वेश्चन ये था मेरा। दूसरा क्वेश्चन सर ये है, मान के चलो कि आज के टाइम में सब लोग डिजिटल यूज़ करते हैं हर चीज़ को, तो अभी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ का प्लस पॉइंट होता है तो माइनस पॉइंट भी होते हैं, और अगर मान के चलो किसी फ़ोन पे कस्टमर के साथ में फ्रॉड हो जाता है तो उस कंडीशन में वो पैसा हमें वापस कैसे मिलेगा? फ्रॉड के लिए कंप्लेंट वैसे आप हमारे पास में करा चुके हैं, तब ये जानकारी नहीं मिली थी आपको? सर नहीं, मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली आई एम ए यूट्यूबर, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, और अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर जब भी कोई सर्च करता है ना कि फ़ोन पे पर अगर कोई भी फ्रॉड होता है या फिर फ़ोन पे पे गलत पैसा चला जाता है किसी अदर के अकाउंट में, तो आपको दुनिया भर की ना वीडियोस भरी पड़ी मिलेंगी, दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन लोग बस अपने व्यूज़ के चक्कर में लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, आप समझ पा रहे हैं ना सर? बिल्कुल, तो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 2.5 लाख की अप्रॉक्स ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है वो मुझे देखती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर मुझे कमेंट आए थे बहुत सारे, क्योंकि मैं बताता हूँ फ़ोन पे कैसे यूज़ करना है और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप फ्रॉड से बच सकते हैं, तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को देता हूँ ताकि वो लोग सिक्योर रह सकें, सेफ रह सकें, तो इसीलिए मैंने फ़ोन किया। वहाँ पर कमेंट आए थे दो चीज़ के लेकर ज़्यादातर, कि अगर ये गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जाता है, और दूसरा केस था कि अगर फ्रॉड होता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। कंप्लेंट जल्द से जल्द उसकी 3 जगह कराने हैं। ओके, जिस मेथड से ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, ना जैसे फोन पे, पेटीएम या जो भी प्लेटफॉर्म यूज किया है आपने। ओके, बैंक की तरफ जहाँ से पैसा निकला है। ओके, बैंक भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की मतलब एप्लीकेशन या किसी अदर वॉलेट भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरा रहता है साइबर सेल डिपार्टमेंट, पुलिस, यानी कि साइबर ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन फ्रॉड के लिए डील करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है नवीन जी। तो ये हमें ऑनलाइन करना पड़ता है या फिर हमें जाना पड़ता है पुलिस किसी स्टेशन? भी प्रकार से की जा सकती है। ओके, तो सर एक्चुअली क्या है कि मुझे ये पूछना है आपसे कि मान के 3 जगह हमें ये कंप्लेन करनी पड़ेगी अगर फ्रॉड होता है। पहला तो ये, अगर मान के चलो एग्जाम्पल लेके चलो, अगर फोन पे की हम बात करें तो सबसे पहले हमें फोन पे की कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, है ना? हाँ, ताकि ये जो डायरेक्शंस आपको मैं अभी बता रहा हूँ उस समय वो व्यक्ति को पता पड़ पाए। ओके, ठीक है, और दूसरा कंडीशन सर ये है कि हमें जाना पड़ेगा बैंक में, अपनी ब्रांच में, जो भी हमारा बैंक है वहाँ पर बताना पड़ेगा ये चीज़, और तीसरा है साइबर पुलिस में हमें कंप्लेन करानी पड़ेगी। जी, बैंक जाने के लिए फिर से वही आपको बताना चाहूँगा, फिजिकली बैंक रीच करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन मेथड भी उतना ही हेल्पफुल होना चाहिए। ओके ओके ओके, है ना, कई बार हेल्पलाइन के माध्यम से जैसे मोबाइल नंबर बैंक में लिंक होता है तो उसके लिए डायरेक्ट शायद हेल्पलाइन के माध्यम से प्रोसेस नहीं है। ओके, तो कुछ कुछ चीजें होती है जिसके लिए बैंक ही जाना पड़ता है। ओके, लेकिन ये जो फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट है ये ऑनलाइन जैसे ग्रीवियंसेस पोर्टल वगैरह आपको बताया गया तो वो ग्रीवियंस पोर्टल पे भी कंप्लेंट उसकी की जाती है। तो सर क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा पैसा वापस आएगा अगर फ्रॉड होता है तो? पॉसिबिलिटी तो है सर, वरना इतनी प्रोसेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट राइट, बिल्कुल सही है आप अपनी जगह, बट फोन पे इसमें हेल्प करता है नहीं करता कस्टमर की? फोन पे बिल्कुल करता है सर। तो फोन पे अगर मान के चलो कि केस अगर होता है तो अभी देखिए फोन पे तो हेल्प करेगा ही, पुलिस भी हेल्प करेगी और बैंक भी हेल्प करेगा, तो ये सारा बैंक अगर मान के चलो कि अगर साइबर पुलिस को आपसे कुछ हेल्प चाहिए होती है फोन पे के सपोर्ट से, पूरी वही ज्यादा काम वहाँ पर ही ज्यादा होता है नवीन जी। ओके, तो आप पूछेंगे कि मैंने ये किसी को गलत ट्रांजेक्शन कर दी है, ये गलती से हमको ध्यान नहीं रहा, वो कॉल पे उसने ऐसा ऐसा बताया, हमने काम कर दिया, तो बोलते हैं कि सामने वाले का मोबाइल नंबर हमको दे दो, तो प्राइवेट जानकारी तो किसी को दी नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन पुलिस अगर मांगती तो ज्यादा से ज्यादा केसेस में, हाँ पुलिस मांगेगी तो हमारे पास में तो नहीं रहेगी, लेकिन जो सीनियर टीम के पास में साइबर की टीम जब हमसे संपर्क करेगी
तो आपके केस को हेल्प करने में हर पॉसिबल वे उसमें फॉलो किया जाएगा, क्योंकि फोन पे का नाम भी उससे जुड़ा रहेगा। राइट राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर एक चीज और है, आजकल आपने देखा होगा कि गूगल पर अगर कोई सर्च करता है, लाइक अगर हमें फोन पे की कस्टमर केयर पे बात करनी है तो फोन पे कस्टमर केयर नंबर हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो आजकल देखा होगा आपने बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जो कि रैंक कट जाती है ऊपर, है ना, तो उस कंडीशन में फेक मोबाइल नंबर आते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रैप में लोग फंसते हैं और लोग उस पे फोन करते हैं और बकायदा वहां से कॉल बैक आता है और वहां से लोगों को बाईपास करके उनके साथ में फ्रॉड किया जाता है जी। तो सर इस कंडीशन में आप लोगों को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए ऐसी वेबसाइट्स पर? आप मतलब शायद इस चीज को मुझसे अच्छा समझते होंगे नवीन सर। मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं ना वो नहीं समझते ना। अब हर कोई इंसान इतना समझदार या इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। हमारी कंट्री में बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है इस चीज की, आपको पता है जी। तो ओपन इंटरनेट में सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली ये है कि रिलायबल सोर्स से, सिक्योर वेबसाइट से जानकारी उठाई जाए। लाइक अगर हमें फोन पे कस्टमर केयर लेना पड़ेगा तो phonepe.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, वहां से हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं फोन पे का? बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज़ और है, एक मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा कि अगर आप लोग अपने कस्टमर को सिक्योर रखना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर को चाहते हैं कि जैसे आप लोग बोलते हो कॉलिंग पे भी कि किसी को भी अपना कार्ड शेयर ना करें, हाँ राइट राइट, तो आपको ना एक मैसेज ना कस्टमर को ऐसा हिंदी में भेजना चाहिए ताकि लोग हिंदी में पढ़ सकें। इंडिया में बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है सर, तो आप लोगों को हिंदी में मैसेज भेजना चाहिए ताकि लोग अच्छे से उसको रीड कर सकें और ताकि लोग सेफ और सिक्योर रह सकें। किस चीज के लिए मैसेज भेजने की आप बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ, मान आज के टाइम में क्या होता है ना, अवेयरनेस के लिए कि आप कभी भी फोन पे इस तरीके से जानकारी शेयर नहीं करता है, तो आप अवेयरनेस के लिए एक मैसेज जब आप लोग अवेयर करते हो ना कस्टमर को, तो मेरे हिसाब से हिंदी में मैसेज भेजना चाहिए बकायदा। और व्यक्ति हिंदी में नहीं पढ़ पाएगा तो? नहीं सर, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो है ना हिंदी में पढ़ने की। लेकिन देखिए इंडिया में, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश लोग जानते हैं ज़्यादा या हिंदी जानते हैं, देखिए जो बंदा इंग्लिश जानता होगा कहीं ना कहीं उसको पता है कि फ्रॉड चीज़ क्या होती है, लेकिन जो बंदा हिंदी समझता है उसको इतना पता नहीं होगा कि फ्रॉड किस तरीके से हो सकता है। तो मेरा बोलने का मीन्स क्या, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हिंदी लोग ज़्यादा समझते हैं इंडिया में जी। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप, जो ऑपरेशन है नवीन जी उसमें हमारी मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन काफ़ी सारे ऐड कर दिए गए हैं, है ना, जैसे कस्टमर की जो नीड है हेल्पलाइन नंबर, वैसे तो लोग हेल्पलाइन नंबर पे बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उससे भी पहले शायद ये चीज पे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब रहती है फोन पे में, तो ऐसा है बाकी का नहीं पता मुझे, तो फोन पे में कोई भी ट्रांजेक्शन है तो सबसे नीचे में ट्रांजेक्शन जब कोई भी ओपन की जाती है वहां पर लिखा रहता है कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट, क्वेश्चन मार्क वहाँ पर हेल्प के लिए बना रहता है, तो वहाँ पर कंप्लेंट सिलेक्ट करते से ही लैंग्वेज ऑप्शन आजकल आने लगा है। ओके ओके, वहाँ पर लगभग 8 लैंग्वेजेस वहाँ पर ऐड कर दी गई हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और पंजाबी, पंजाबी नहीं सॉरी बंगाली या समथिंग लाइक दैट, गुजराती, ये इस प्रकार की कई लैंग्वेज वहाँ पर तेलुगु वगैरह के साथ में ऐड कर दी गई है। ओके ओके, तो डायरेक्टली आपके थ्रू भी अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में लोग काम कर सकते हैं और वहाँ पर बकायदा टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी को बात नहीं करनी है कस्टमर केयर से तो डायरेक्टली टिकट जनरेट करके आपसे हेल्प ले सकता है ना? हाँ, और वहाँ पर ये भी वो लिख सकता है कि हेल्पलाइन नंबर मुझे बता दो। चलिए चलिए, अगर बात ही करना है उसको तो हेल्पलाइन नंबर मांग ले वहाँ पर। हाँ हाँ, चैट के थ्रू, है ना? हाँ, वो कोविड की सिचुएशन में नहीं तो कॉल बैक का ऑप्शन भी रहता था कि कस्टमर के माध्यम से रिक्वेस्ट किया जाए, अगर कहीं पर भी कस्टमर ने लिखा है कि प्लीज कॉल अस बैक, तो कॉल भी किया जाता था पहले, कोविड के कारण, लिमिटेड टीम के कारण ये ऑपरेशन बंद है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी दी ताकि मैं आगे इनको अपने जो व्यूअर्स से शेयर कर सकूं, थैंक यू सो मच जी। और आपका वैल्यूएबल फीडबैक भी मैं हायर टीम के पास मैं सेंड कर रहा हूँ कि कॉशन स्टेटमेंट लोगों को रीजनल लैंग्वेजेस या फिर नेशनल लैंग्वेज में भेजा जाए। राइट सर, राइट सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। थैंक यू, कुछ जानना चाहेंगे नवीन सर? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो और भी कुछ जानना चाहेंगे नवीन जी तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। नो सर, कुछ नहीं है सर बाकी जानकारी, थैंक यू
जी, जब भी निश्चिंत आपको, मतलब जब भी आप लगे बिल्कुल निश्चिंत रहकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूरी सहायता आपकी की जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारी बातचीत के आधार पे नवीन जी, इस कॉल के बाद में आपके पास में मेरे लिए आपके फोन पे ऐप में एक फीडबैक सर्वे आपको प्राप्त होगा जी, तो अनुरोध रहेगा कृपया उसका उत्तर आप दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल दूंगा सर मैं। थैंक यू सो मच जी, समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आप समझ गए होंगे कि कैसे अगर आपके साथ में कभी फ्रॉड हो जाता है फ़ोन पे पर, या फिर आपका गलती से किसी और खाते में पैसा चला जाता है, तो कैसे उसको रिकवर करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमारी तरफ से मिले सबसे पहले। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू।